जम्मू कश्मीर के अंदर सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ एक नई तहकीकात शुरू की गई है। ये तहकीकात उन मुलाजमीन के खिलाफ है जिनके मुतल्लिक मुख्तलिफ महकमों में बशमूल महकमा तालीम में शिकायत मिली है कि इन लोगों के पास जाली डिग्री है जिसको बुनियाद बनाकर ये तरक्की हासिल करते हैं या फिर अपनी तनख्वाह में इजाफा करवाने का सबब यही असनाद या डिग्रियां बनती हैं। इस बीच ताज़ा कार्रवाई में जम्मू कश्मीर में स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने दो असातिज़ा या टीचर्स जिनमें अनीता शर्मा और रमन चनियाल शामिल हैं इनकी तंजली कर दी है, यानी दोनों को डिमोट करने का फैसला हुआ है जिन्होंने जाली पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्रियों का इस्तेमाल करके तरक्कियाँ हासिल की, प्रमोट वक्तन फवक्तन होते रहे। सरकारी तौर पर हुक्मनामे में तस्दीक हुई कि दोनों टीचर्स ने 2003 में मगध यूनिवर्सिटी से केमिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रियां हासिल की और बाद में पता चला कि जब इन दोनों ने डिग्रियां हासिल की उस वक्त यूनिवर्सिटी ने ऐसा कोई कोर्स पेश ही नहीं किया था। नतीजे के तौर पर अनीता शर्मा जो इस वक्त सरना सांबा में हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल के तौर पर खिदमात अंजाम दे रही हैं और कठुआ के मचिड़ी में हायर सेकेंडरी स्कूल में तैनात प्रिंसिपल रमन चनियाल के ओहदों पर तंजली करके टीचर के तौर पर अपने फराइज दोबारा शुरू करने की हिदायत दी, यानी जहां से वो लगे थे वहीं पर वापस ला के खड़ा कर दिया गया। इस तरीके से इनके ओहदों को गैरकानूनी और जाली डिग्रियों की बुनियाद पर ली गई तरक्कियों को सरकार ने डिमोट करने का फैसला लिया और प्रमोशन न देने का हुक्म जारी हुआ है। मजीद तफसलात से ये भी पता चला है कि तादीबी कार्रवाई उस वक्त सामने आई जब ये पता चला कि अनीता शर्मा और चनियाल ने जाली तालीमी असनाद या सर्टिफिकेट्स की बुनियाद पर अपने करियर में तरक्की की है। अनीता शर्मा को 2004 में इंचार्ज लेक्चरर के ओहदे पर तरक्की दी गई जिसके बाद उन्हें मानसर के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में तैनात किया गया। ताहम असल अहलियत के दस्तावेजात फराहम करने में इसकी नाकामी की वजह से 2004 और 2006 के दरमियान उनके अलाउंसेस को मुअत्तल कर दिया गया। सरकारी हुक्मनामे से यह भी पता चला है कि महकमा स्कूल एजुकेशन ने 5 मार्च को एक हुक्मनामा जारी किया जिसमें सांबा और कठुआ अजला के चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स को हिदायत दी गई कि वो अनीता शर्मा और चनियाल को दोबारा तदरीसी जिम्मेदारियां सौंप दे, यानी वापस पीछे लाकर उनको वही काम दे जहां उन्होंने शुरू किया था, जिसका मतलब वो अब सीनियर अफसर नहीं बल्कि बतौर टीचर ही काम करेंगे। दोनों असातिज़ा को अपने मुतलका अजला में चीफ एजुकेशन दफातर के साथ रिपोर्ट करने की हिदायत पहले से जारी कर दी गई हैं और फेक डिग्रियां जिन मुलाजमीन के पास हैं उनमें सबसे पहले अनीता शर्मा और चनियाल का नाम सामने आया। कई ऐसे लोग जो जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ सरकारी स्कूलों में पढ़ाते हैं या पढ़ाने का काम कर रहे थे, इन्होंने इसी तरीके से इदारों में ऑनलाइन डिग्रियाँ या फिर बगैर अटेंड किए हुए या फिर हाजिरी के बगैर ये डिग्रियां लाई जिनका बाद में पता चला कि ये गैरकानूनी है। तहकीकात जारी है। सरकारी ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि आइंदा दिनों में कई ऐसे मुलाजमीन को या डिमोट या बरतरफ किया जा सकता है जिन्होंने अभी तक गैरकानूनी तौर पर या जाली डिग्रियां हासिल करके जम्मू कश्मीर में सरकारी खजाने में